सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। हालेलुया धन्यवाद येसु धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्यारे भाइयों और बहनों वचन संगीत में भाग लेकर प्रार्थना करने समय में पिता परमेश्वर से हम पवित्र आत्मा की शक्ति मांगेंगे। ये स्तुति का समय है आराधना का समय है ये आशीर्वाद का समय है। परिवार के साथ स्तुति और आराधना कीजिए हमारे साथ। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। आकाश और तारामंडल ये संसार में जो भी है सब कुछ ईश्वर की महिमा का गीत गाते हैं और स्तुति करते हैं। तो हम मनुष्य क्या करते हैं हमको क्या करना चाहिए। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 1 और 2 ईश्वर के पुत्रों अभी आपसे कह रहे मुझसे कह रहे ईश्वर के पुत्रों प्रभु की महिमा का गीत गाओ। ये गीत गाने का समय है हम सब मिलकर ये गीत गाएंगे पवित्र आत्मा की शक्ति लेकर हम ये गीत गाएंगे। वचन हमको सिखाता है प्रभु की महिमा का गीत गाओ उसके सामर्थ्य का बखान करो उसके महिमामय नाम की स्तुति करो पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो। सुनिए क्या क्या करना है उसके सामर्थ्य का बखान करो। ईश्वर कितना शक्तिशाली है वो हमको कहना है तो वही शक्ति हमारे जिंदगी में भी आ जाएगा। और वचन सिखाता है उसके महिमामय नाम की स्तुति करो। ईश्वर का नाम पवित्र है वो पवित्र नाम की स्तुति हम करना चाहिए। और पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो मतलब ये पवित्र समय में पवित्र बन के स्तुति और आराधना करना है। हम इतना ठीक नहीं है तो भी पवित्र आत्मा की शक्ति मांगोगे तो पवित्र आत्मा आने से हम पवित्र हो जाए और ये शक्ति से हम सब मिलकर ये गीत गाए क्योंकि हम पवित्र ईश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। ये अच्छा समय में प्रभु आकर हमारी जिंदगी भी हमारे परिवार भी पवित्र कर देंगे। तो हम विश्वास के साथ यहाँ पे रहिए सब परिवार के साथ प्रार्थना कीजिए। ये अभिषेक का समय है। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 130 पद संख्या 5 और 7 मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ। हम ये गीत के साथ ये गा रहे प्रभु मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूँ आजा प्रभु मेरे दिल में तू आकर मुझे चंगा कर दो तू आकर मेरे हृदय को साफ कर दो। मैं इतना साफ नहीं हूँ जिंदगी इतना ठीक नहीं हूँ लेकिन आप आके साफ करने से सब ठीक हो जाएगा जो भी करते हैं वो पवित्र हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु क्रूस पे मेरे लिए मरा मेरे लिए जिंदगी छोड़ दिया इतना पवित्र लहू मेरे लिए कुर्बान किया सब जिंदगी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। प्रभु का वचन है मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ मेरी आत्मा उसकी प्रतीक्षा पर भरोसा रखती है। इज़राइल प्रभु पर भरोसा रखो क्योंकि दयासागर प्रभु उतार पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। मुक्ति देने वाला यीशु कितना भी अंधकार आपके अंदर है हृदय के अंदर है भरा हुआ है लेकिन मुक्ति देने वाला यीशु अभी आ रहा है। प्रभु का और एक वचन सुनिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20 से लेकर
पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपने आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपने हृदय में संचोए रखो, वो तुम्हें नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। ये आशीर्वाद का समय में सब मिलकर स्तुति और आराधना का ये गीत गाए, यीशु आ जाइए मेरे दिल पे, मेरे हृदय पे, मेरे परिवार पे, मैं जहाँ जाता है वहाँ पे आ जाइए, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, मैं आपकी स्तुति और आराधना सदा करना चाहता हूँ। हम ये गीत के साथ स्तुति और आराधना का गीत गाए।
हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, संधि योहन अध्याय 10 पद संख्या 11 से लेकर प्रभु का वचन, भला गडरिया मैं हूँ, भला गडरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है, भला गडरिया अपने भेड़ों के लिए प्राण दे देता है, किसका? अपना ही प्राण। ये कैसे प्यार करते हैं, कितना गहरा है ये प्यार। और प्रभु का ये वचन भी सुनिए, संत योहन अध्याय 10 पद संख्या 3 और 4, भेड़े उसकी आवाज पहचानती है, वो नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है, अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वो उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती है। प्यारे भाई और बहनों, ये भले गडरिया हमारे यीशु मसीह हमारे सामने है और वो आगे चलते हैं, तो हमको डरने का जरूरी है नहीं, क्योंकि वो आगे चलते हैं, रास्ता दिखाने वाला नहीं है, वो वही मार्ग है। प्रभु ने कहा एक बार, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। ये मार्ग दिखाने वाला ईश्वर नहीं है, वही मार्ग है। और ये भले गडरिया हमको इतना प्यार करते हैं, हमारे लिए जीवन अर्पित करते हैं, इतना हमको प्यार करते। आप सोचिए, दूसरा कोई आपको रास्ता दिखाने आए हैं, और ये जो रास्ता दिखाने वाला, वो रास्ता दिखाने से कुछ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे कुछ तो स्वीकार करते हैं। समझो आपको एक फ्लैट खरीदना है, समझो आपको एक खेती खरीदना है, नहीं तो आपको आपका बच्चों को दूसरा दूर जगह पे भेजना है, रास्ता दिखाने वाला कोई तो आएगा। ये जो रास्ता दिखाने वाला है ना, आपको तो उसको पैसा देना पड़ता है, कुछ तो देना पड़ते है, कुछ तो वो एक्सपेक्ट करते हैं, देना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे यीशु मसीह रास्ता दिखाने वाला नहीं है, वही रास्ता है, वही मार्ग है, तो हमारे सामने आगे चलते हैं। हमको उसकी वाणी सिर्फ सुनना है, उसकी वाणी सुन के वो जैसे जाता है, वैसे जैसे दिखाता है, वो जहाँ है सिर्फ वहाँ पे देख के वो दृष्टि लगाना और जाना, आगे चलना। प्रभु का वचन, प्रभु का वचन, राजाओं का पहला पत्र, पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 2 से हम वहाँ पे मिलते हैं एक व्यक्ति, ये तो बहुत बड़ा नबी है, ये नबी है। वचन सुनिए, इसके बाद एलिया को प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई दी। मतलब अभी ये एलियास ये अकेला है, वो जंगल में है, मदद करने के लिए कोई है नहीं, रास्ता भी नहीं है। शायद ये वचन सुनने समय में आपकी जिंदगी भी वैसा होगा, मतलब रास्ता है नहीं, जंगल जैसा है, कोई आक्रमण करने आता होगा तो डर लग रहा है अंदर, किधर जाओ, क्या करेगा, कुछ पता नहीं। यहाँ पे एलिया जो है ये बहुत बड़ा नबी है, ईश्वर के लिए सब कुछ करते हैं, ईश्वर जो कहते हैं वो सबों के सामने ये कहते हैं, ये है, ये इसका काम ये है। और ये अभिषिक्त इसके सामने ईश्वर आया, प्रभु कहते हैं यहाँ से पूर्व की ओर जाओ और यर्दन नदी के पूर्व करीत घाटी में छिपे रहो, तुम नदी का पानी पियोगे, मैंने कौओं को आदेश दिया कि वे वहां तुम्हें भोजन दिया करें। देखिए वहां पे रास्ता दिखाने के लिए कोई है नहीं, रास्ता भी है नहीं, तो प्रभु इसको सुरक्षा देते हैं और प्रभु इसका आगे चलते हैं, सब कुछ प्रभु तैयारी करते हैं। यह है हमारे यीशु के प्यार। वचन सुन रहे हैं ना आप, विश्वास कीजिए प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने यीशु है तो, रास्ता सब कुछ बंद हुआ है तो, ये यीशु आकर आपका हाथ पकड़कर आपको सब कुछ दिखाएगा, चलो बेटा चलिए बेटी हम जाएंगे। प्रभु यीशु अभी आपके कान के समीप में आकर यही कह रहे, देखो यहाँ पे क्या किया, तुम नदी का पानी पियोगे, प्रभु ने वो भी तैयारी किया है। और क्या हो गया, मैंने कौओं को आदेश दिया है कि वहाँ तुम्हें भोजन दिया करे, वहाँ पे तुमको भोजन देने के लिए कोई है नहीं, मैं समझता हूँ, लेकिन कौओं को मैंने आदेश दिया है कि करेक्ट टाइम पे वो आकर तुमको भोजन देगा। ये है प्रभु का, प्रभु की योजना है, ये है प्यारे भाई और बहनों, तो चिंता न करना, आगे देख के चिंता न करना। और ये सुनो, प्रभु ने जैसा कहा एलिया ने वैसा ही किया, वो जाकर यर्दन के पूर्व करीत की घाटी में रहने लगा, कौवे सुबह शाम उसे रोटी और मांस लाकर देते थे और वो नदी का पानी पीता था। देखो नदी में पानी है भोजन लेने के लिए, रोटी लेके आने के लिए कौवा,
ये प्रभु का कृपा, यीशु मसीह ईश्वर की कृपा ये है। देखो कौवे सुबह शाम कुछ कमी नहीं है, सुबह और शाम रोटी देते हैं। आप सोचते हैं कल क्या करेगा, रोटी कौन लेके आएगा, ईश्वर है आपके सामने। प्रार्थना कीजिए ना हमारे साथ, ये गीतों के साथ प्रार्थना कीजिए ना। वो नाम पुकारो, ऊंचाई सुर से पुकारो, जिसके ऊपर आपने भरोसा रखा है वो ईश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। ईश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा सब ठीक हो जाएगा। बाद में नदी में पानी सूख गया क्योंकि पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा था। तब एलिया को प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो सीदोन के सरेप्ता जाओ और वहाँ रहो, मैंने वहाँ की एक विधवा को आदेश दिया है कि वो तुम्हें भोजन दिया करे। सब कुछ प्रभु तैयार करते हैं अपने भक्तों के लिए। यीशु ईश्वर सब कुछ करते हैं। प्रभु का वचन संत मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 20, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यीशु हमारे साथ है, यीशु आपके साथ है। अभी परिवार में यीशु आया है, उनके ऊपर भरोसा रखिए। ये गीत के साथ पुकारो, यीशु आ जाइए, यीशु आएगा सब कुछ ठीक करेगा, यीशु आपको चंगाई देगा। यीशु मसीह प्रभु यीशु आपके सामने आकर आशीर्वाद दे रहे। हम गीत गाएंगे सबके साथ। तू पुकारे मैं
सुनाए मैं सुनूं, तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं, तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं, तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं, यीशु यीशु हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपके सामने ये गीत गाकर स्तुति और आराधना करते थे। प्रभु यीशु, हमको आशीर्वाद चाहिए। प्रभु का वचन तसल्लीकियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। ईश्वर की इच्छा यही है आप सदा प्रार्थना में रहे। यारे भाई और बहनों, परिवार के साथ प्रार्थना करने में बहुत मतलब है। आप आपके पिता और माँ के साथ, भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ, जीवन साथी के साथ आज से प्रार्थना शुरू करो। कम से कम एक दिन में 25 मिनट या 30 मिनट प्रभु के लिए छोड़ो। ईश्वर की योजना ये है, ईश्वर की इच्छा ये है, आप परिवार के साथ सब चिंताओं अर्पण करना यीशु मसीह के सामने। ये ईश्वर की योजना है। ईश्वर क्यों ये योजना बनाया है? आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं, आपका परिवार को भी। प्रभु में, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। प्रभु का वचन इब्रानियों के नाम अध्याय 11 पद संख्या 6, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वो उन लोगों को कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। ईश्वर आपके ऊपर बहुत बहुत ध्यान देते हैं, आपके परिवार के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। तो आपको आशीर्वाद स्वीकार करना है तो आज से परिवार के साथ प्रार्थना कीजिए, एक रोसरी प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, ना क्रूस की रास्ता चढ़ाइए। ये सब आप परिवार के साथ सब मिलकर करने से वहां पे ईश्वर उपस्थित है, यीशु उपस्थित है। तो विश्वास के साथ परिवार के साथ प्रार्थना करेगा तो क्या क्या कृपा हमको मिल जाएगा? देखो, उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वो उन लोगों को कल्याण करता है। तो कल से आपके परिवार का सेंटर में यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा की शक्ति है। ये शक्ति आपके साथ सदा रहेगा। और वजन है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। समूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 30 से लेकर, मैं तेरे बल पर शत्रुओं के दल में कूद पड़ता हूँ। देखो, ईश्वर के बल पर परिवार के साथ प्रार्थना करेगा, ईश्वर का बल है हमारे अंदर। और ये वचन सुनो, मैं तेरे बल पर शत्रुओं के दल में कूद पड़ता हूँ, मैं अपने ईश्वर के बल पर चार दीवारी लांग जाता हूँ। देखो, ईश्वर के बल पर, मनुष्यों के बल पर नहीं, परिवार के साथ प्रार्थना करके वो बल पर, यीशु जो शक्ति दे रहे वो बल पर। देन ईश्वर का मार्ग निर्दोष है, प्रभु की वाणी विश्वसनीय है, वो उन सबों की डाल है जो उसकी शरण जाते हैं। प्रभु के सिवा और कौन ईश्वर है? तो ये ईश्वर आना है तो परिवार के साथ प्रार्थना करना है। अभी आप वजन सुन रहे हैं, अभी आप गीत गाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज से हर दिन शाम को यीशु मसीह के सामने आपको परिवार के साथ प्रार्थना करना है। क्योंकि जहां प्रार्थना होता है वहां पे शक्ति है, जहां पे प्रार्थना होता है वहां पे रूपांतरण होता है, जहां पे प्रार्थना होता है वहां पे अंधकार मिट जाएगा। तो ये कृपा आज आपको देने को प्रभु चाहता है। और वचन सुनो, प्रभु के सिवा और कौन ईश्वर है? हमारे ईश्वर के सिवा और कौन चट्टान है? वही ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करता और मेरा मार्ग प्रशस्त करता है। वही ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करता है। हम बोलना है हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखिए, वही शक्ति लेकर आप जिंदगी चलाइए।
आज से परिवार में प्रार्थना है, आज से परिवार में बाइबल पढ़ना है। ये कृपा से परिवार भर जाए, ये प्यार से परिवार भर जाएंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आप आकर हमको शक्ति दीजिए। गॉड ब्लेस यू।